नमस्कार, मैं नीतीश चंद्रा आप सभी के समक्ष उपस्थित हुआ हूँ एक बार फिर से आपसे कुछ बातें करने के लिए। और बातें ये है कि आरआरबी टेक्नीशियंस के जो भी छात्र हैं वेटिंग लिस्ट के, उन सभी को ये पता चल चुका होगा कि स्टैंडिंग कमेटी की मीटिंग रिशेड्यूल हुई है और 15 नवंबर को मीटिंग होगी। इसके अलावा नवंबर के तीसरे सप्ताह में संभावित है कि शीतकालीन सत्र की भी शुरुआत होगी। तो आप सभी जानते हैं कि हमारा अब एक प्लान जो चल रहा था, अब वो दो प्लान हो चुका है। और प्लान पहला ये था कि सभी राज्य के छात्र राज्यवार ग्रुप में शामिल होंगे और वे अपने अपने राज्य के अपने अपने इलाके के संसद सदस्यों से, मंत्रियों से मिलेंगे और मिल करके लेटर लिखवाना है। इसके अलावा उनसे शीतकालीन सत्र में इस मामले को आवाज़ देने के लिए अनुरोध करना है। ये पहला प्लान था। अब हुआ चुकी यह है कि स्टैंडिंग कमेटी की मीटिंग का तिथि निर्धारित हो गया है, तो अब हमारे पास ये भी करना ज़रूरी है कि स्टैंडिंग कमेटी के मेंबर्स से भी एक बार फिर से उनको रिमाइंड करने की ज़रूरत है। तो रिमाइंड करने का ज़रूरत है, इसका मतलब यह नहीं है कि सब लोग ट्रेन पकड़ेंगे और दिल्ली सीधा चल पड़ेंगे पिछले बार की तरह। तो इस बार वैसा नहीं करना है। कौन जाएंगे, कैसे बातों को रखना है, ये निर्धारित हो चुका है। ग्रुप के जो भी लीडर्स हैं, जो इसको लीड कर रहे हैं, उन्होंने निर्धारित कर लिया है कौन कौन लोग जाएंगे और किससे किससे कब और किस रूप में मिलना है। मिलना कहने का यहाँ तात्पर्य यह है कि बहुत ज़्यादा कुछ न करके केवल उनके सामने जा करके हाथ जोड़ना है, ताकि उनके ध्यान में ये बात आ जाए कि हाँ ये भी हैं और इनका भी मुद्दा हमें उठाना है। तो ये है कि 20-30 लोग, 40 लोग, जो हम कल के वीडियो में भी हमने ये बात मेंशन किया था कि सभी को दिल्ली नहीं जाना है, तो 20 लोग, 30 लोग, 40 लोग जाएंगे मुश्किल से। वो सेलेक्ट हो चुके हैं कौन कौन जाएंगे, किनसे किनको मिलना होगा और कैसे बातों को रखना, ये सभी पूरी प्लानिंग हो चुकी है। दूसरी बात यह है कि आप लोगों का जो शेष लोग हैं उनका यूज कहाँ होना है और उनका योगदान लिया जाएगा कि नहीं लिया जाएगा। तो निश्चित तौर पर आपके योगदान की भी अहम आवश्यकता होगी, लेकिन समय आने पर। तो आपके मन में सवाल होगा कि समय कब आएगा। समय स्टैंडिंग कमेटी की मीटिंग के ठीक 2-3-4-5 दिनों के अंदर यदि कोई लिखित नोटिस इस बार भी नहीं आता है, तो फिर हम लोगों को एक बड़े आंदोलन की ओर मजबूरन बढ़ना होगा। और इस बड़े आंदोलन की ओर बढ़ने के लिए हमें बड़ी संख्या में आप सबों के सहायता की आवश्यकता होगी। उस समय आप सभी से हाथ जोड़कर, पैर पड़कर, जैसे भी हो, आपको दिल्ली ले जाया जाएगा और आप सभी को दिल्ली चलने का अनुरोध उस समय किया जाएगा। अभी दिल्ली जाने की आवश्यकता नहीं है 15 नवंबर वाले स्टैंडिंग कमेटी की मीटिंग में के लिए। उसमें कुछ लोग ज़रूर जाएंगे, कौन लोग जाएंगे ये सभी बातें निर्धारित है, ठीक है। तो कौन लोग जाएंगे, कहाँ कैसे मिलेंगे, ये निर्धारित है। और आपकी आवश्यकता शीतकालीन सत्र की जब शुरुआत होगी और उससे पहले कोई नोटिस नहीं आ जाएगा हमारा लिखित में, तब हमें, हम सभी को बड़ी संख्या में, और इस बार जितने भी लोग हैं एक एक लोग को दिल्ली चलना होगा और चल करके इसे आंदोलन के रूप में प्रेरित करना होगा, ताकि सरकार के मंत्रालय के RRCB के कानों पर जू रहेंगे और वो हमारी बातों को सुने। और एक एक संसद से आप मिलेंगे, आपके संसद यदि आवाज़ उठाएंगे तो वह भी पूरे देश लेवल पे एक हाइलाइटेड मुद्दा बनेगा। तीसरी बात यह है कि किसी भी व्यक्ति को, किसी भी स्टैंडिंग कमेटी के मेंबर्स के पास व्हाट्सएप, मेल इत्यादि कोई भी पर्सनल चीज़ें नहीं करनी है। यानी पर्सनल स्तर पर उनको ना कॉल करना है, ना मैसेज करना है, ना मेल करना है, ना ही व्हाट्सएप करना है, ठीक है। और राधा मोहन सर से तो बिल्कुल भी कोई कुछ नहीं संपर्क करेंगे, ठीक है, क्योंकि वो एकदम बिल्कुल कोंपले की तरह हैं। वो हमारे लिए काफ़ी सेंसिटिव हैं, अगर वो नाराज़ होते हैं तो फिर इसका काफ़ी निगेटिव इफ़ेक्ट होगा। तो ये चीज़ें करनी है, कोई मेल वगैरह नहीं करना है। ट्वीट्स वगैरह आप करते रहते हैं तो ट्वीट आप कर सकते हैं, उसमें कोई आपत्ति नहीं है, क्योंकि ये किसी पर्सनल व्यक्ति को टीज नहीं करता है। लेकिन मेल अगर आप किसी व्यक्ति विशेष को करेंगे तो उसके काम में बाधा होती है और उसका निगेटिव इफेक्ट हम सभी पर पड़ता है।
तो यही मोटा मोटी बातें हैं, जिसमें कि हमने पहला बिंदु आपको बताया कि अभी सबको दिल्ली नहीं जाना है, जिनको जाना है उनके नाम तय कर लिए गए हैं, आपको कब जाना है ये आपको बताया जाएगा, उम्मीद है कि उसकी नौबत ना पड़े, उम्मीद है कि उसकी नौबत ना आए कि हमें दिल्ली जाकर के आंदोलन करना पड़े, या शीतकालीन सत्र में, शीतकालीन सत्र में वाली बात है तो इसमें आप अपने क्षेत्र में भी संसद सदस्यों से मिल सकते हैं और उनसे जब सत्र की शुरुआत होगी तो उसमें इस मुद्दे को उठाने के लिए आप उनसे अनुरोध कर सकते हैं। अभी क्षेत्र में अगर आप मिल सकते हैं तो अच्छी बात है, अन्यथा अगर स्टैंडिंग कमेटी की इस मीटिंग के बाद भी अगर कुछ कंक्लूजन नहीं निकलता है तब हमें दिल्ली जाने की ज़रूरत पड़ेगी, जिसकी संभावना काफ़ी कम है। ठीक है, तो संभावना ही सही, जब तक हम लोगों का 100% क्लियर नहीं हो जाता है, आंदोलन हो या जो भी हो जिस रूप में भी हो, हमें आगे बढ़ते रहना है। बहुत सारे लोग हताश हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, डीमोरलाइज होकर के हमें कॉल करते हैं, मैसेज करते हैं, तो आपसे हम यही कहेंगे कि बार बार धैर्य रखिए, धैर्य रखिए, धैर्य रखिए, और अगर आप में धैर्य की क्षमता नहीं है तो आपको सफलता पाने का भी कोई अधिकार नहीं है, क्योंकि आपका श्रम और धैर्य ये दो काफ़ी आवश्यक चीज़ है, और श्रम करने के साथ साथ आप में धैर्य होगी तभी आपको सफलता मिल सकती है। तो ये सभी बातें हैं, ओवरऑल आपको एकदम ऑर्गेनाइज वे में ही आगे बढ़ना है, इधर उधर अपनी ओर से कुछ नहीं करना है, मेल किसी को नहीं करेंगे, राधा मोहन सर से कोई नहीं मिलेंगे, ये बार बार हम लोग हाईलाइट कर रहे हैं ताकि पिछले बार की तरह कोई भूल इस बार भी ना हो जाए। तो और कोई महत्वपूर्ण अपडेट होगा तो हम आपसे फिर रूबरू होंगे, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।